डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने अभी सेकेंड सेम का एग्जाम दिया था और जिनका कैरी पेपर रह गया है। बहुत लड़के का 3 पेपर कैरी है, 4 पेपर कैरी है, 5 पेपर कैरी है और सबके माइंड में ये बैठा है कि हम थर्ड सेम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी हम पूरे 100% प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि अगर आपके पास 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, कितने पेपर में कैरी रहने के बाद आप थर्ड सेम के लिए एलिजिबल है। 100% प्रूफ के साथ आपको एकदम पूरा दोनों का दोनों दो नोटिस है आपके पास, दोनों नोटिस को आपको पढ़कर समझाकर 100% श्योर कर देंगे कि कौन लड़के अभी थर्ड सेम में जाने वाले हैं, कौन लड़के थर्ड सेम में नहीं जाने के लायक बचे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले हम बताते चले कि जिनका फर्स्ट सेम प्लस सेकेंड सेम दोनों मिलाकर 4 पेपर कैरी है, 4 पेपर या इससे कम है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, 4 पेपर है, वो सारे थर्ड सेम में जाएंगे। हम प्रूफ बताएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये फर्स्ट सेम का कैरी और ये सेकेंड सेम का कैरी। अगर मानते हैं कि फर्स्ट में कैरी नहीं था, सेकेंड में 4 लगा, दोनों मिलाकर कितना हो सकते हैं 4। फर्स्ट में 1 था, सेकेंड में 3 था, दोनों मिलाकर कितना है 4, ये भी जाएंगे। मैक्सिमम 4 तक, 2 प्लस 2 वाला भी जाएंगे, 3 प्लस 1 जिसका फर्स्ट में 3 गो था, सेकेंड में 1 था, वह भी जाएंगे। पहला 4 गो था, सेकेंड में नहीं है, वह भी जाएंगे। यानी कहने का मतलब वैसे छात्र जिनका मैक्सिमम 4 पेपर कैरी है वह थर्ड सेम में जाएंगे। अगर 4 पेपर से ज़्यादा है तो वह नहीं जाएंगे, उनका सेमेस्टर इनरोलमेंट नहीं होगा। अब कहिए सर अपने वजह से कह दिए। अब हम प्रूफ आपको दिखाते हैं कैसे, हम आपको बता रहे हैं किस नियम के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जिनका भी 4 पेपर कैरी है वो कहाँ पे जाएंगे, थर्ड सेम के लिए एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या नियम है। सबसे पहले कल के यानी 2 तारीख के डेट में आपका SBT का नोटिस आया था जिसमें सेमेस्टर इनरोलमेंट के बारे में बताया गया था। उस नोटिस को थोड़ा सा हम लोग गौर से समझते हैं। वह नोटिस क्या था, 2 तारीख के डेट में ये नोटिस आपके पास होगा ऑलरेडी। इसमें बोला है सेमेस्टर इनरोलमेंट के लिए, यहाँ पे एक चीज पढ़िएगा, जिन छात्राओं का परीक्षाफल कि नहीं पेंडिंग रह गया है उनका भी सेमेस्टर इनरोलमेंट होगा। जिनका भी बहुत लड़के का रिजल्ट पेंडिंग है उनका भी सेमेस्टर इनरोलमेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद पढ़िएगा, किंतु उनका इनरोलमेंट संपुष्ट नहीं माना जाएगा जब वह डिप्लोमा के DER 2023 के नियम में सेमेस्टर 3 और 5 में क्या है जाने की पात्रता पूरा करेंगे। अभी DER 2023 क्या था इसको समझना पड़ेगा। DER का पूरा नाम क्या है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल। ये 2023 में यानी 30 मई 2023 को यह नियम लागू किया गया था। कौन सा, DER 2023। उसमें कुछ नियम बनाया गया था, नियम में संशोधन किया गया था कि कौन लड़के थर्ड सेम में जाएंगे, कौन लड़के फिफ्थ सेम में जाएंगे। अगर वह DER इसको पूरा नहीं करता है, इस नियम को पूरा नहीं करता, फुलफिल नहीं करता है, तो थर्ड सेम के इनरोलमेंट के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन ये कहता क्या है, इस नियम में ही बोला गया था कि जिन लड़के का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिलाकर 4 पेपर कैरी है वह थर्ड सेम में आराम से जा सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन कंडीशन फिर आगे भी है कि थर्ड सेम में 2 पेपर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पेपर तक ही अप्लीकेबल रहिएगा। तो ये नियम को हम निकालते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे चीज़। तो हम किस नियम के अनुसार आपको बता दिए कि DER डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल 2023 क्या कहती है कि अगर आपके पास 4 पेपर कैरी है तो आप आराम से थर्ड सेम में जाइएगा, 3 पेपर भी कैरी है तो आराम से जाइएगा। कब, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर मिलाकर कितने पेपर होना चाहिए, 4, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड दोनों मिलाकर 5 है, 6 है, फिर वह भी एक बात रखिएगा, अगर अब्सेंट किए हैं, एग्जाम छोड़ भी दिए हैं, वह भी कैरी पेपर में ही काउंट होंगे, वो सारे मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब DER 2023 को देखते हैं, DER 2023 में कहाँ लिखा हुआ है। चलिए हम आपको DER 2023 दिखाते हैं, चलिए कब लाया गया था। देखिए डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल DER की बात हो रही है और यह विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2023-24। ये सेशन कब से लागू हो रहा है,
2023-24 के बाद से जो लड़के एडमिशन हो रहे हैं उनका लागू। ये कब लाया गया है देख रहे हो ना, 30/5/2023 को इस पर सिग्नेचर किया गया है। बहुत सारे ऑफिसर लोग का सिग्नेचर है जिसमें ये देख सकते हैं। और ये क्या है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल, इसी को DER 2023 बोला गया है। और जो इनरोलमेंट में DER 2023 लिखा गया था उसका मतलब समझते हैं क्या है। इसमें बोला गया था, देखिए बहुत सारे लोग का सिग्नेचर है इसमें, आप देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट को, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डिफरेंट सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, क्या क्या मापदंड आपका पूरा होना चाहिए, इसको देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अब इसको हम लोग निकाल के कितना 7.3 पॉइंट पर दिया हुआ है कि थर्ड सेम में जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसको देखते हैं कितना में, 7.3 में, 6, चलिए 7.3 में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये कब, 30/5/2023 की कहानी है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, आपके लिए भी अच्छा दिन रहा होगा जिसमें 4 पेपर को अनाउंस किया गया। इसके पहले बहुत 3 पेपर ही दिया गया था। इसमें बोला गया कि ए स्टूडेंट हैविंग फेल्ड इन मोर देन 4 थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर और ऑफ सेमेस्टर 1st एंड 2nd टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर का मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर को एक साथ मिलाया जाए। तो अगर आप 4 से अधिक पेपर, थ्योरी पेपर या प्रैक्टिकल पेपर में आप फेल है या अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट को भी काउंट किया गया था, कितना पेपर, 4 या 4 से अधिक, मोर देन 4 लिखा हुआ है, कितना, मोर देन 4th अब्सेंट है या आप क्या फेल है, देन प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर 1st एंड 2nd टुगेदर शैल बी डिक्लेयर फेल, तब आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका सेमेस्टर 1st और 2nd दोनों मिलाकर 4 पेपर से अधिक में आप फेल है तो आपको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। अगर 4 पेपर तक है, 2 पेपर है 3 पेपर है 4 पेपर तक है तो आप थर्ड सेम का एनरोलमेंट कीजिएगा, थर्ड सेम का तैयारी कीजिए, साथ साथ में फर्स्ट सेम का तैयारी कीजिए, आप आगे जाइएगा, ठीक है। सच फेल स्टूडेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन सेकेंड थर्ड सेमेस्टर अनटिल ही पासेस इन थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर 1st एंड 2nd टेकन टुगेदर और प्रमोटेड विद कैरी पेपर अप टू मैक्सिमम 4 पेपर। कहने का मतलब वो थर्ड सेमेस्टर के लिए तब तक अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं जब तक वह जितने भी 1st और 2nd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उसमें आप पास करके 4 पेपर तक न ला दें। कम से कम आपको 4 पेपर तक लाना है। आप 6 पेपर में अगर आपका कैरी है तो कम से कम आपको 4 पेपर तक लाइएगा, तभी जाके अगले सेमेस्टर में आप जा पाइएगा। 4 पेपर कैरी होना चाहिए, 3 पेपर होना चाहिए, 2 है 1 है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से अधिक होगा तो आप नहीं जा सकते। ये कहाँ पर मेंशन किया गया था, 2023 में, कब, 30/5/2023 को जो SBT पटना के द्वारा रूल लाया गया था उसमें यह बात कही गई है। इस बात के आधार पर यह फाइनली डिसाइड हो चुका है कि अगर आपके पास कितने पेपर कैरी है बाबू, आपका 1st सेमेस्टर में 4 है, 2nd सेमेस्टर में नहीं है, फिर भी आप 3rd सेमेस्टर में जाइएगा। 1st सेमेस्टर में 1 वो था, 3rd सेमेस्टर में 3 वो था, फिर भी आप जाइएगा। अगर ये 2 2 है फिर भी आप जाइएगा। 1 यानी अगर 3 है पहला में, इसमें 1 है फिर भी जाइएगा। पहला में अगर नहीं है, खाली सेकेंड में लगा है, फिर चारों भी लग गया है, अगर दोनों मिलाकर 4 से अधिक नहीं है, 4 तक है, तो आप आराम से जाइएगा। ये सारे कंडीशन, ये 1st सेम का है और ये 2nd सेम का है, ये दोनों को मिलाकर है। अगर दोनों मिलाकर किसी भी कंडीशन से अगर 4 पूर रहे हैं तो आप क्या है 3rd सेम में आराम से जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर हम लोग अगले अपडेट के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।